पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मापन एवं मात्रक में त्रुटि के बारे में, और त्रुटि का संयोजन हो गया था, त्रुटि का वियोजन हो गया है। अब आप आगे पढ़ना है त्रुटि का गुणा, कि त्रुटि में गुणा किस तरीके से किया जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग बनाएंगे विद्यार्थीगण, त्रुटि में गुणा, माने गुणा गुणा में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, कि गुणा में त्रुटि किस तरीके से होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन इरर, इरर इन मल्टीप्लीकेशन, इरर इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कि गुणा में त्रुटि कैसे होता है। ठीक है, इसको गणना करने का सिंपल तरीका है विद्यार्थीगण, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि a बराबर दिया हुआ है a प्लस डेल्टा a, और b बराबर दिया हुआ है a प्लस डेल्टा b, ठीक है, और गुना जो करना है बाबू, इसको कह रहा है कि गुना करो। तो मान लेते हैं कि z बराबर आपको निकालना है यहाँ से a इंटू b, तो निकालने का तरीका ये होगा कि z इक्वल टू आप लिखेंगे a के जगह पर लिखेंगे a प्लस डेल्टा a इंटू b के जगह पर लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पर होगा b, विद्यार्थीगण b लिए हैं तो b लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b और प्लस हो जाएगा डेल्टा b। ठीक है, त्रुटि हमेशा लिखा जाता है प्लस और माइनस में, तो यह प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी यह प्लस एवं माइनस दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे अलजेब्रा का गुना होता है उसी तरीके से इसको गुना किया जाता है। जैसे a करेगा b से तो यहाँ लिखा जाएगा a इंटू बी प्लस माइनस, ये करेगा इसके साथ तो यहाँ हो जाएगा a इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस, ये करेगा इसके साथ तो डेल्टा ए इंटू हो जाएगा बी प्लस और माइनस, ये करेगा इसके साथ तो हो जाएगा डेल्टा ए इंटू हो जाएगा डेल्टा बी, इस तरीके से गुना करते हैं। ठीक, जेड इक्वल टू क्या आया यहाँ पर आ रहा है विद्यार्थीगण ए प्लस सॉरी ए डॉट बी प्लस और माइनस, यहाँ आ गया a इंटू डेल्टा b प्लस और माइनस, यहाँ जाएगा डेल्टा a इंटू हो गया b प्लस और माइनस, और डेल्टा a इंटू आया डेल्टा b। आप इस बात को समझेंगे, यह त्रुटि दिया गया है, यह जो भाग है इस भाग को बोलते हैं बाबू माप, अब इस भाग को बोलते हैं हम लोग त्रुटि। ठीक है, तो यह हो गया b का ओरिजिनल मान और b में त्रुटि, a का ओरिजिनल मान a में त्रुटि, तो यहाँ जो दिया गया है देखिए दो दो त्रुटियाँ हैं, और जब त्रुटि जो होता है वह छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और दो त्रुटियों का गुना भी बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, नेगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मानते हैं, इसके वैल्यू को हम लोग नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब मान लेते हैं कि यह क्या है, जीरो के बराबर है, ऐसा है। तो जो यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगा आपका जेड का, वह जेड इक्वल टू आएगा क्या, ए इंटू बी प्लस और माइनस, यहाँ आएगा बेटा क्या ए इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस, यहाँ आएगा डेल्टा ए इंटू बी, ये निकल करके आपका आ रहा है, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, इस तरीके से लिखते हैं इसको। अब जो हो जाएगा यह जो आपका पार्ट निकल करके आया है विद्यार्थीगण मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो इसमें a इंटू जो b दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं माप, इसको बोलते हैं माप, और इस वाले जो भाग दिया गया है इसको बोलते हैं बेटा त्रुटि, मतलब निरपेक्ष त्रुटि, क्या बोलते हैं निर
पेच त्रुटि, इसे क्या बोलते हैं, निरपेच त्रुटि। तो ये जैसे गुना होता है सिंपल, उसी तरीके से अलजेब्रा का गुना किए। और देखिए ये दोनों के दोनों ओरिजिनल भाग हैं, बोले थे कि यह माप कहलाता, तो माप को माप के साथ करते हैं और त्रुटि को त्रुटि के साथ, ठीक है। तो ये हो गया निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। यदि आप निकालेंगे यहाँ से सापेक्ष त्रुटि, क्या निकालेंगे विद्यार्थीगण, सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। लिखा जाएगा सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि जो होता है निकालने का तरीका क्या होगा से समझिए। तो निरपेक्ष बटा होता है बाबू ओरिजिनल मान, डेल्टा एल बटा ए आप लोग जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, और प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा बाबू डेल्टा ए इंटू हो सॉरी डेल्टा ए ए इंटू डेल्टा ए, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा ए इंटू क्या हो जाएगा बी, ठीक है, और बाई होगा बेटा ए इंटू बी, ठीक है। और त्रुटि जो दिया गया है प्लस और माइनस में, तो आप लोग को बताए थे हम कि त्रुटि को हमेशा जोड़कर लिखा जाता है। तो इस भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए इंटू बी, और बाई क्या हो जाएगा ए इंटू बी। इसी को जब आप सेपरेट सेपरेट लिखेंगे ए इंटू डेल्टा बी बाई हो जाएगा ए इंटू बी, और बीच में प्लस यहाँ जाएगा डेल्टा ए इंटू बी, और बाई होता है ए इंटू बी। बी से बी कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ जो भाग आएगा डेल्टा बी बटा बी, और प्लस होता है डेल्टा ए और बटा होगा ए। इसी को बोलते हैं सापेक्ष सापेक्ष त्रुटि, इसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष त्रुटि बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो सापेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला निकल कर के आया त्रुटि बटा ओरिजिनल मान, डेल्टा ए बटा ए और डेल्टा बी बटा बी, ठीक है, मतलब डेल्टा बी बटा बी और डेल्टा ए बटा ए, इसको बोलते हैं सापेक्षित त्रुटि। यदि यहीं से आप लोगों को बोल देगा कि प्रतिशत त्रुटि बताओ, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला बनता है विद्यार्थीगण डेल्टा बी और बटा हो जाएगा बी प्लस डेल्टा ए और बटा हो जाएगा ए और इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि यह प्रतिशत की बात कर रहा है, तो प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है, तो गुना हो जाएगा किस से, 100 से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाबू या आप निरपेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत त्रुटि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूला को आपको बताते हैं और उस पर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है उसको आपको बता लोग। देखें गुना में त्रुटि, उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखिए आपको करा देते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन दिया गया है एक आयत के लंबाई में त्रुटि 2% तथा चौड़ाई में त्रुटि 3% या 5% सॉरी 5% हो तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत
त्रुटि की गणना करें, गणना करें। देखिए कैसे इसको प्रतिशत त्रुटि की गणना किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा विद्यार्थीगण। देखिए आपको पता है कि लंबाई में त्रुटि दिया हुआ है कितना, 2%, चौड़ाई में त्रुटि कितना दिया गया है, 5%, ठीक है। तो लंबाई में जो त्रुटि होता है विद्यार्थीगण उसको बोलते हैं डेल्टा एल बटा एल, अब इनटू होता है 100, इसका वैल्यू दिया गया है 2%। चौड़ाई में जो त्रुटि होता है उसको बोलते हैं डेल्टा बी बाई बी, इनटू हो जाएगा 100, यह दिया गया है कितना, 5%। तो आपको निकालना है बाबू क्षेत्रफल में त्रुटि, क्षेत्रफल में त्रुटि। तो जो क्षेत्रफल में त्रुटि होता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, डेल्टा ए बाई हो जाएगा ए, अब इनटू हो जाएगा 100। इसको निकालने का तरीका ये हो जाएगा, तो यह आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में त्रुटि जब लिखेंगे बाबू तो लिखा जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू हो जाएगा 100, और त्रुटि हमेशा जोड़कर लिखा जाता है, तो यह हो जाएगा डेल्टा बी और बाई हो जाएगा बी इंटू हो जाएगा 100। आपको यहाँ पर गुना दिख रहा है, बट यह गुना तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला में होता है, बट हम त्रुटि निकालनी है तो त्रुटि को हमेशा जोड़ करके बनाया जाता है। तो लंबाई में त्रुटि कितना है, 2% का, चौड़ाई में त्रुटि कितना है, 5% का, तब क्षेत्रफल में त्रुटि कितने परसेंट का आएगा, 7% का, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप त्रुटि की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला होता है त्रुटि से संबंधित, उसको भी आप देख लें। फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि जेड बराबर हो दिया गया है, एक टर्म है ए स्क्वायर बी का क्यू बाई सी इंटू रूट अंडर होता है डी। यह चार ऐसे पद हैं जिनको त्रुटि निकालने की गणना इस फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है, चार पदों का। कैसे हम लोग करेंगे, चार से अधिक पद होंगे तो भी निकलता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे चार पदों का। अब इनका अगर आप पर त्रुटि की गणना करेंगे तो इसके लिए लॉग का 2-3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन में हम आपको निकाल देते हैं, ऐसे पूछता नहीं है डेरिवेशन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक से संबंधित क्वेश्चंस, तो इसमें न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, इसमें डेरिवेशन नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कैसे होता है। करेंगे क्या, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो होगा क्या, यहाँ हो जाएगा लॉग जेड बराबर, यहाँ हो जाएगा लॉग, यह हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर इंटू बी का क्यू बटा सी और रूट अंडर डी, यह हो जाएगा बाबू क्या, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, और उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। वह प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, प्रॉपर्टी क्या है लॉग से संबंधित, वो तीन फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विद्यार्थीगण, वह सूत्र है लॉग से संबंधित, ठीक है। पहला जो फार्मूला लॉग में आपको याद रखना है कि लॉग एम इंटू रहेगा एन, तो यह हो जाता है लॉग एम और प्लस होता है लॉग एन, गुना में रहता है बाबू तो जोड़ में चला जाता है, और जोड़ में रहेगा तो गुना में आ जाएगा। दूसरा फार्मूला होगा लॉग एम बटा एन, भाग में रहेगा तो घटा देंगे,
लॉग एम और माइनस हो जाता है लॉग एन। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वह होता है बाबू लॉग एम के पावर एन। तो पावर मल्टीप्लाई कर जाता है एन, यहाँ हो जाएगा लॉग एम। इन तीनों फार्मूला को आपको याद कर लेना है, यह बेसिक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, लॉग से संबंधित। अब आते हैं यहाँ पर बाबू, यहाँ दिया गया है क्या डेरिवेशन में, लॉग जेड इक्वल टू, अब लॉग एम बटा एम का फॉर्म है तो कहता है दोनों को प्लस में लिखो, तो यहाँ हो जाएगा लॉग क्या होगा बेटा ए का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू बी का क्यू और बीच में प्लस सॉरी यह एम बटा एन है तो यहाँ पर माइनस होता है बाबू लॉग में, देखिए डिवाइड में माइनस होता है, और यहाँ लिखा जाएगा लॉग सी इंटू रूट अंडर डी, यह वाला पार्ट हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म लेंगे, यह हो जाएगा लॉग जेड इक्वल टू, अब जान रहे हैं कि यह गुना में है तो प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग ए का स्क्वायर प्लस लॉग बी का क्यू माइनस, यहाँ हो जाएगा बाबू लॉग सी ये भी माइनस से हो जाएगा, लॉग हो जाएगा रूट अंडर डी, ठीक है, यह हो जाएगा लॉग से संबंधित। अब देखिए इसी को और आगे की ओर डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लॉग जेड इक्वल टू, आप जान रहे हैं कि यह पावर होता है तो पावर पहले मल्टीप्लाई कर जाता है तो हो जाएगा टू और लॉग क्या हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पर बी पहले आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा थ्री, यह हो जाएगा लॉग बी, ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ हो जाएगा लॉग सी माइनस। अच्छा रूट अंडर डी दिया हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर में एक बटा दो, ठीक है, तो ये पावर मल्टीप्लाई कर जाएगा और आ जाएगा बाबू वन बाई टू और बन जाता है लॉग डी, ठीक है। तो यह तो निकल करके आ गया विद्यार्थीगण, लेकिन यहाँ से जो हमको निकालना होता है उसको बोलते हैं महत्तम सापेक्ष त्रुटि, महत्तम सापेक्ष त्रुटि। तो महत्तम सापेक्ष त्रुटि जब बात करेगा निकालने की तो महत्तम सापेक्ष त्रुटि हमेशा जोड़कर लिखा जाता है, देखो यहाँ पर घटाव का साइन आ गया है उसको हम लोग हटा देंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखने का सिंपल तरीका होगा विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा लॉग जेड इक्वल टू, यह हो जाएगा टू, यहाँ होगा लॉग ए प्लस, यह हो जाएगा थ्री लॉग बी, यहाँ होगा प्लस, यह हो जाएगा लॉग सी, और प्लस हो जाएगा वन बाई टू लॉग क्या होगा डी, क्यों, क्योंकि त्रुटि हमेशा जोड़ कर लिखा जाता है, त्रुटि घटाकर नहीं लिखा जाता है विद्यार्थी का, क्योंकि आप गलती करेंगे तो गलती कभी घटता नहीं है, गलती अगर करें और फिर गलती करिएगा तो गलती गलती घट नहीं रहा है, वह गलती और बढ़ रहा है, इसलिए गलती कभी घटता नहीं है, गलती हमेशा जोड़ कर लिखा जाता है, ठीक है। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला इसी से पूछ लेता है प्रतिशत महत्तम त्रुटि, अगर प्रतिशत में पूछ लेगा तब, अगर प्रतिशत त्रुटि पूछ लेगा यहीं से तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला बनेगा, इसको ही प्रतिशत में लिखेंगे, तो जब आप प्रतिशत में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बाबू लॉग, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको अब सुधारना पड़ेगा विद्यार्थीगण, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है, यह मिस्टेक हो रहा है, इसको देख लीजिए, यह होगा कुछ इस तरीके का, इसी को कहते हैं, देख रहे हैं गलती कैसे हुआ, शार्प एकदम मिस्टेक हो गया विद्यार्थीगण। जब इस तरीके का आ जाता है तब इसको हम लोग लिखते हैं बाबू दोनों तरफ अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, जब आंशिक रूप से इसका अवकलन करेंगे तो यह देखो
लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बटा एक्स, और लॉग जेड का हो जाएगा बाबू डेल्टा जेड, और बटा हो जाएगा जेड, यहाँ हो जाएगा टू तो टू ही रहेगा, यह डेल्टा ए और वाई हो जाएगा ए, प्लस इसको लिखेंगे बाबू थ्री, यह बनेगा डेल्टा बी और बटा बनेगा बी, और माइनस इसको लिखेंगे बाबू डेल्टा सी और वाई हो जाएगा सी, और माइनस वन बाई टू डेल्टा डी और वाई हो जाएगा डी, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे बाबू महत्तम महत्तम सापेक्ष त्रुटि, तो जो महत्तम सापेक्ष त्रुटि होगा उसको लिखने का तरीका क्या होगा से समझिएगा। त्रुटि हमेशा जोड़कर लिखा जाता है, तो यह हो जाएगा डेल्टा जेड और बटा हो जाएगा जेड इक्वल टू टू डेल्टा ए बाई ए प्लस थ्री डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस वन बाई टू डेल्टा डी बाई डी, यही होता है बाबू महत्तम सापेक्ष त्रुटि, इसी को कहते हैं महत्तम सापेक्ष त्रुटि, इसको बोला जाता है क्या महत्तम सापेक्ष त्रुटि। अब जो महत्तम सापेक्ष त्रुटि है विद्यार्थी का नहीं आया, और इसी में यदि परसेंटेज पूछ लेगा तो परसेंटेज में कुछ नहीं करना है, सब जगह पर 100 से गुना कर देना है, सब जगह पर क्या कर देना है 100 से गुना कर देना है, वह आपका निकल करके आ जाता है क्या महत्तम सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। जब आप 100 से सब में गुना कर देंगे तो वह निकल करके आ जाएगा महत्तम सापेक्ष प्रतिशत।